नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माही द टेकी पर। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी Redmi Watch 2 के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने कहा चलो फीचर वगैरह तो आपको सब पता चल गए होंगे, तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं Firebolt Max और Realme Watch 2 Pro के साथ। दोनों ही इसी प्राइस रेंज की वॉचेज हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही है मार्केट में, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि Redmi Watch 2 किस तरीके से उनको टक्कर दे पाएगी। और ये वाकई में पब्लिक डिमांड थी, आप जाके कमेंट चेक कर लो, बाद में ऐसा मत कहना कि कोई डिमांड आती नहीं, आप ऐसे बोलते रहते हो वीडियो बनाने के लिए। वाकई में आते 3-4 कमेंट आए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करें तो Redmi Watch 2 का एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में होने वाला है 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में। Firebolt Max का जो है रेगुलर प्राइस अब हो गया है 4,999, पहले वो 4,499 था। Realme Watch 2 का भी अब जो प्राइस हो गया है वो है 4,999, पहले सेल में इसका प्राइस भी 3,999 हो गया था। उसके बाद कलर्स की बात करें तो Redmi में आपको ब्लैक, ब्लू एंड आइवरी देखने को मिलता है, Max के अंदर आपको ब्लैक, ग्रीन एंड ग्रे, और Realme के अंदर आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे। स्क्रीन साइज़ में सबसे बड़ा स्क्रीन साइज़ Firebolt का 1.78, फिर Realme 1.75 और Redmi 1.60। कंपैटिबिलिटी में तीनों ही वॉचेस एंड्रॉइड और iOS को सपोर्ट करती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो Redmi में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 360x320 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में, 301 की पर पिक्सल इंटेंसिटी है। तो जिस पर पिक्सल इंटेंसिटी अगर 300 को क्रॉस हो जाए दोस्तों तो वो काफ़ी अच्छी होती है। Firebolt Max में सुपर AMOLED अल्ट्रा हाई डेफिनेशन रेटिना डिस्प्ले, मतलब जो कुछ मिल सकता था सब लगा दिया डिस्प्ले में 360x448 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। Realme Watch 2 Pro में आपको हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि AMOLED के बाद काफ़ी पॉपुलर है, 320x385 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ 600 nits की ब्राइटनेस यहाँ देखने को मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट Realme में नहीं है, बाकी दोनों वॉचेज में देखने को मिलता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन तीनों ही वॉचेज ने स्पेसिफाई नहीं की है। बॉडी टाइप की बात करें तो Redmi प्लास्टिक, Firebolt मेटल एंड Realme पॉलीकार्बोनेट। स्ट्रैप में Redmi एंड Firebolt में 20mm का है, जबकि Realme में 22mm का सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलता है। वेट की बात करें Redmi का 31 grams होने वाला है, Firebolt Max 42 एंड Realme Watch 2 Pro 42 grams। नोटिफिकेशंस में तीनों ही वॉचेस में आपको इनकमिंग कॉल, SMS, WhatsApp, Facebook एंड अदर ऐप्स के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल कंट्रोल्स की, तो Redmi में अभी म्यूजिक कंट्रोल स्पेसिफाई किया है, तो आप खरीदने से पहले चेक कर ले कैमरा है या नहीं। Firebolt एंड Realme में आपको म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल दोनों मिलते हैं। कॉल ऑप्शंस की बात करें तो अभी Redmi ने सिर्फ रिजेक्ट स्पेसिफाई किया है, तो ये भी खरीदते टाइम चेक कर लेंगे म्यूट कॉल का ऑप्शन है या नहीं। Max के अंदर भी आप सिर्फ कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं और Realme के अंदर म्यूट एंड रिजेक्ट दोनों हैं। ब्लूटूथ वर्जन तीनों ही वॉचेस का 5.0 है। प्रीसेट क्विक रिप्लाइज तीनों ही वॉचेस में देखने को नहीं मिलता। चार्जिंग की बात करें तो तीनों ही मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। बैटरी Redmi की 230mAh की बैटरी, जो कि 10 दिन का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। Firebolt Max जो है वो उसकी 10 दिन की बैटरी लाइफ है और 8 से 9 दिन इसमें आराम से देखने को मिलता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। Realme Watch 2 Pro में मैसिव 390mAh बैटरी लगी है, 14 दिन का कंपनी क्लेम करती है, तो 7-8 दिन का इसमें आराम से देखने को मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन Redmi की Xiaomi Wear, Firebolt की Fit Cloud Pro और Realme की Realme Link ऐप। बिल्ट इन GPS की बात करें तो Redmi ने कमाल कर दिया, GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, मतलब 4 सैटेलाइट पोजीशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। Max के अंदर ना ही बिल्ट इन GPS है ना ही कनेक्टेड GPS, Realme के अंदर भी बिल्ट इन GPS देखने को मिलता है, GPS एंड GLONASS का सपोर्ट है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में Redmi 5 ATM, Firebolt 3 ATM एंड Realme IP68, मतलब Realme जो है डस्ट एंड सैंड प्रूफ भी है। SPO2 की बात करें तो Redmi, Firebolt एंड Realme तीनों में देखने को मिलता है। मल्टीपल वॉच फेसेस तीनों ही वॉचेस में 100+ वॉच फेस है, साथ में कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं, Redmi ने कमाल कर दिया, 117 स्पोर्ट्स मोड हैं जिसमें 17 प्रोफेशनल वर्कआउट मोड्स हैं, मतलब कि जैसे कि स्विमिंग है या कोई और ऐसा प्रोफेशनल मोड है तो उसमें उससे रिलेटेड ही डेटा वो कैप्चर करेगा। उसके अलावा जो बाकी 100 स्पोर्ट्स मोड होंगे उसमें नॉर्मल डेटा कैप्चर होगा, जैसे कैलोरीज हो गई, आपका स्टेप्स हो गए या तो फिर हार्ट रेट। Firebolt Max में स्टैंडर्ड 12 स्पोर्ट्स मोड देखने का मिलता है, Realme Watch 2 Pro में 90 स्पोर्ट्स मोड और वॉच के अंदर आई थिंक 10-12 ही एक बार में स्टोर होते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको डालने हैं तो आपको पुराना स्पोर्ट्स मोड डिलीट करना पड़ेगा तब नया डलेगा, तो यहाँ पे गेम खेल ली थी Realme ने हमारे साथ। अदर फीचर और सेंसर की बात करें तो Redmi के अंदर अब अपग्रेडेड जो हो गई है लो पावर कंजम्पशन वाला चिप लग गया है अच्छे बैटरी बैकअप के लिए। फीमेल साइकिल ट्रैकर है और फ्लैश लाइट देखने को मिलता है। Max के अंदर भी फीमेल साइकिल ट्रैकर, ब्रीथ मोड, BP मॉनिटर, 2 मेन्यू स्टाइल्स हैं, कंट्रोल वाइब्रेशन इंटेंसिटी कर सकते हैं, पावर सेविंग मोड है। Realme के अंदर आपको PPG सेंसर है हार्ट रेट के लिए, ब्रीद मोड, 2 मेन्यू ऑप्शंस, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, पावर सेविंग मोड, स्मार्ट अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं और ईयरबड्स को भी अपने साथ ही 3 एक्सिस का एक्सेलरोमीटर। उसके बाद बताते हैं कौन सी वॉच किस चीज़ में आ गया। तो Redmi का अगर हम Firebolt से कंपैरिजन करें तो Redmi लाइट वेट है, जस्ट 31 ग्राम, स्क्वाड GPS पोजीशन सपोर्ट है,
580 mm आइडियल फॉर स्विमिंग अप टू 50 मीटर्स, 117 वर्कआउट मोड है जिसमें 17 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड हैं। वहीं मैक्स में आपको बड़ी 1.78 इंच की सुपर एमोलेड यूएचडी रेटिना स्क्रीन देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी, 8 से 10 दिन की बैटरी लाइफ, दो मेन्यू स्टाइल ऑप्शन। फिर अगर रेडमी को रियलमी वॉच 2 प्रो से कंपेयर करते हैं तो रेडमी ज़्यादा कलर में अवेलेबल है, ज़्यादा स्ट्रैप ऑप्शन के साथ, एमोलेड स्क्रीन है, लाइट वेट है, क्वाड जीपीएस सपोर्ट है, 580 mm और 117 स्पोर्ट्स मोड। वहीं रियलमी वॉच 2 प्रो बड़ी स्क्रीन ऑफर करती है, ज़्यादा ब्राइटनेस ऑफर करती है, ज़्यादा बड़ी बैटरी ऑफर करती है, डस्ट एंड सैंड प्रूफ है, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट है जिसे आप TWS वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट और 2 मेन्यू स्टाइल ऑप्शन। सब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहाँ पे मैं कुछ अपनी जो मेरा स्टॉक इकट्ठा हो गया थोड़ी बहुत वॉचेस का वो डाल के मैं सेल करूँगा काफ़ी अच्छे प्राइसेस में। उसके अलावा अगर रिफर्बिश्ड वॉचेस भी चाहिए, अमेज़फिट के थोड़े से पुराने मॉडल्स हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। GTS जो है वो लोग पता नहीं आजकल लेना पसंद क्यों नहीं करते, आपको सच्ची बात होता है यार, अभी भी 6000 की रेंज में बिल्ट इन GPS एमोलेड प्लस जो उसकी बॉडी है वो मेटल बॉडी है, वैसी कोई अभी भी वॉच नहीं है बड़े स्क्रीन साइज में 1.7 इंचेस में, तो वो वॉच अभी भी लीग में और मैं काफ़ी कम प्राइसेस में उसको ऑफर करता हूँ क्योंकि रिफर्बिश्ड है। तो अब बात करते हैं कि फायरबोल्ट मैक्स को अगर हम रेडमी वॉच 2 से कंपेयर करें, देखिए फायरबोल्ट मैक्स में सब कुछ है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेडमी है उससे आगे निकल जाती है, ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है, साथ में क्वाड GPS का सपोर्ट है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट फिटनेस की है तो आपको एमोलेड भी साथ में मिल रहा है तो आप जरूर रेडमी पे जाएंगे, लेकिन अगर आपकी फिटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप जरूर फायरबोल्ट मैक्स को ले सकते हैं जिससे आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं इसका रियलमी वॉच 2 से कंपैरिजन करते हैं तो रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है लेकिन काफ़ी शानदार ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं रिस्ट साइज़ की बात करूँ तो रियलमी वॉच 2 प्रो जो है वो बड़ी रिस्ट पे ही ज़्यादा सुटेबल लगती है, मीडियम रिस्ट पे, छोटी रिस्ट के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन रेडमी का जो डायल है ऐसा कॉम्पैक्ट बना है मेरे हिसाब से वो सारी रिस्ट पे सुटेबल लगेगा, स्क्रीन साइज़ भी इसलिए थोड़ा सा कम रखा गया है। लेकिन अगर मैं इसको उसके पुराने मॉडल से कंपेयर करता हूँ रेडमी वॉच 1 से, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने में नहीं लगता, फर्स्ट लुक में दोनों लगभग एक जैसी ही लगती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा निराश हूँ, एटलीस्ट डिज़ाइन में थोड़ा चेंज करना चाहिए, बॉडी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कंपनी को ऑफर करनी चाहिए थी। तो इन दोनों में से भी मतलब GPS तो देखिए दोनों ही वॉचेस में है, रेडमी के अंदर आपको क्वाड GPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप अगर बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं, आपकी रिस्ट बढ़िया, तो आप जरूर रियलमी के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एमोलेड का आनंद उठाना चाहते हैं GPS के साथ में तो रेडमी वॉच में कोई बुराई दिखने रही है। एक चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी, रेडमी वॉच 1 के अंदर जो है स्लीप ट्रैकर काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट था, क्या ये वो इशू रेडमी वॉच 2 में रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, आपको जानने में ज़रूर मदद मिलेगी कि इन तीनों में से कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और भी किसी वॉच का आप कंपैरिजन बनवाना चाहते हैं रेडमी वॉच 2 के साथ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।